के सेक्टर 56 अलकनंदा अपार्टमेंट्स में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ नाबालिग मेड ने मारपीट की है, जिसमें मासूम बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं। ये खबर उन माँ बाप के लिए बड़ी अहम है जो अक्सर मेड के सहारे अपने बच्चों को घर पे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल सेक्टर 56 अलकनंदा अपार्टमेंट से एक ऐसी ही खबर सामने आई है, जहाँ 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ एक नाबालिग मेड ने बेरहमी से मारपीट की है। इस दौरान बच्ची को शरीर में कई गंभीर चोटें भी आई हैं। 13 महीने की इस मासूम बच्ची के माता पिता ने अपनी बच्ची की देख रेख के लिए एक नाबालिग मेड को केयर टेकर के रूप में रखा था, लेकिन घर पर जब माता पिता नहीं थे तो इस 13 महीने की मासूम के साथ इस नाबालिग मेड ने बेरहमी से मारपीट की। पूरे वाकये का पता तब लगा जब इस मासूम बच्ची के माता पिता ड्यूटी से घर लौटे। मासूम बच्ची के माता पिता ने इसकी शिकायत सेक्टर 56 के थाने में दी, जिसमें पुलिस ने नाबालिग मेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन इस बीच मासूम बच्ची के माता पिता ने जिस मेड को रखा था वह 18 साल से कम उम्र की है, और इसी आरोप में खुद बच्ची के माता पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी नाबालिग मेड को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर में मेड रखे तो उसकी वेरिफिकेशन करा लेनी चाहिए, और 18 साल से कम उम्र की किसी भी नौकर या मेड को घर पर नौकरी पर नहीं रखना चाहिए। ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। रजिस्टर हो चुका है दोनों की तरफ से, क्योंकि जुवेनाइल था तो जुवेनाइल को एज सर्वेंट नहीं रख सकते, और दूसरा जिसने उसको किया था वो कल अरेस्ट हो चुका है। बिल्कुल होगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, 13 महीने की बच्ची से मारपीट का मामला है, क्या कुछ मामला है? ये सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन के इलाके में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक 13 महीने की बच्ची के लिए एक दूसरी बच्ची जो लगभग 14 साल की थी उसको केयर टेकर रखा गया था, और उस बच्ची के साथ उसने मारपीट की है और उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है 307 के तहत, और उसमें उसको अदालत में हमने पेश कर दिया है बच्ची को, जो जिसके खिलाफ शिकायत दी गई थी, और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई जो भी है वो की जा रही है। और इसमें जो दूसरा पक्ष है उसमें ये है कि वो क्योंकि छोटी बच्ची है और 18 साल से नीचे के बच्चे को आप कोई इस तरह से काम पे नहीं रख सकते, तो इसके संबंध में हमने दूसरी तरफ से भी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ जेजे एक्ट का केस रजिस्टर किया है और उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। मासूम बच्ची की कंडीशन कैसी है सर, हॉस्पिटलाइज कराई गई थी? वो बच्ची अभी ICU में है और अंडर ट्रीटमेंट है, अभी उसका इलाज चल रहा है, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता। क्या कुछ कहेंगे सर ऐसे तमाम मामलों में, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत सारे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए केयर टेकर रखने से पहले? देखिए, मेरा सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि इस तरह के, पहली बात तो 18 साल से नीचे के किसी भी बच्चे को आप इस तरह के किसी भी जॉब पे नहीं रख सकते, और इस तरह का करना कानूनी रूप से भी गलत है, और ये घटना भी साफ बताती है कि वो खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि उस बच्चे में इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती, और कानून ने सोच समझ के ही कायदे कानून बनाए गए हैं, तो इसलिए उस पर प्रतिबंध है। तो इस तरह के 16 साल से 18 साल से किसी नीचे के बच्चे को इस तरह की जिम्मेदारियां नहीं दी जा सकती, और कोई भी केयर टेकर रखने से पहले, चाहे वो बच्चे के लिए हो या और किसी वृद्ध के लिए हो या किसी की देखरेख के लिए हो, तो उसकी पहले पूरी जांच करके पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही उसको रखना चाहिए। और हम बार बार लोगों से अपील करते हैं कि किसी को भी आप घर में रखते हैं तो उससे पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाए, ताकि उसके क्या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या उसकी क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से संबंधित है, उसकी पूरी जांच हो सके। जब तक जांच ना हो जाए जब तक किसी को रखना आपके लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसलिए हम अब भी आपके माध्यम से ये अपील करते हैं लोगों से कि भाई इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो किसी भी हादसे को संभावना से इनकार नहीं किया जाए। ये जो जेजे एक्ट का मामला दर्ज किया गया, ये किसके खिलाफ किया गया और किस बिहाफ पे किया गया सर? ये जेजे एक्ट का मामला इस बिहाफ पे दर्ज किया गया है कि उन्होंने एक 14 साल की बच्ची को केयर टेकर रखा, जो जेजे एक्ट में वो पनिशेबल ऑफेंस है,
और वो जो पेरेंट्स हैं उस जिन्होंने उस बच्चे को रखा केयर टेकर के रूप में, ये उनके खिलाफ एलिगेशन। ठीक है, ओके। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।